आप देख रहे हैं न्यूज फर्स्ट नेटवर्क, आपके साथ आपकी आवाज। न्यूज फर्स्ट की टीम यहाँ पर मौजूद है आज लालजीवाड़ा में टेढ़ा मस्जिद पर, जहाँ पर आज कोकन रिलीफ जो बाढ़ आया था कोकन में रायगढ़ में, उसके रिलीफ के लिए यहाँ पर इंतजाम किया गया है। राशन का इंतजाम किया गया है, कपड़ों का इंतजाम किया गया है। यहाँ पर आपको हम दिखाएंगे कि कितनी भारी तादाद में यहाँ पर गरीबों की मदद के लिए इंतजाम किया गया है। हम यहाँ पर हमारे साथ मौजूद यहाँ के सीनियर सर, हम उनसे बात करेंगे कि जिस तरह से ये प्रोग्राम हो रहा है उस तरह क्या कहेंगे। हेलो सर, जिस तरह से यहाँ पर ये जो रिलीफ का प्रोग्राम हो रहा है सर, उस पर आप क्या कहेंगे सर? ये प्योरली इंसानियत है, ये बहुत एक इंसानियत का अच्छा नमूना है कि जिधर बाढ़ आ गई और वो बाढ़ की एरिया में ऐसा कोई हिंदू मुस्लिम नहीं, सब लोग हैं, सब धर्म के लोग हैं और हम सब धर्म के लोगों के लिए ये चंदा ये करके इकट्ठा करके जो रोजी रोटी डेली खाने के लिए बर्तन भी दे रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। और 100 चादरें हैं और कपड़े हैं और 350 बर्तनों का शेड है। जमुई तवीमाहीन के सारे साथियों की मेहनत और हर एक लोगों की मेहनत है इसके अंदर लगी है। तो जिस तरह से आप हमने बात किया, यहाँ पर लोगों ने बताया कि राशन है, चावल है, कपड़े हैं, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी की चीज़ें हैं यहाँ पर लोगों ने इंतजाम करके दिए। यहाँ के आसपास के मोहल्ले वाले भी यहाँ काफ़ी लोग मौजूद हैं जिन्होंने अपना टाउन करके यहाँ पर जो चीज़ें हैं ज़रूरत की चीज़ें यहाँ पर पहुँचाई है। हम यहाँ कुछ और लोग हैं उनसे बात करेंगे। हमारे साथ में यहाँ पर कुछ सबसे मौजूद हैं जिम्मेदार है डेंगे के वर्मा, उनसे हम बात करेंगे। तो ये जो आप लोग इस तरह का रिलीफ फंड आप लोग रेगुलर करते रहते हैं कि आपका पहला फंड है सर आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जमीयत उलमा शिमाल मगरबी जोन मुंबई की यानी कांदिवली की यूनिट है। इन्होंने ये काम अंजाम दिया है कि 350 लोगों के लिए बर्तन का इंतज़ाम, 250 लोगों के राशन का इंतज़ाम और बहुत अच्छे पैमाने पे इन हजरात ने किया है। और मैं बहुत ज़्यादा जो है मुबारकबाद पेश करता हूँ मोहतरम यानी मौलाना शाहिद असाद साहब जो हमारे सदर हैं यहाँ के और जोन के जो है नायब सदर हैं, और मोहतरम अनस भाई जो है जनरल सेक्रेटरी हैं, और इनके पूरे साथी यहाँ मिल करके जिस तरह से काम किया है और ये यहाँ पे जिस तरह से काम हुआ ये इंसानियत की बुनियाद पे है। जमीयत उलमा 1919 से लेकर के आज तक 1947 के बंटवारे के वक्त जो हालात थे उसमें भी अपना योगदान दिया, कुर्बानी दी और उससे पहले भी कुर्बानी दी। खासकर जमीयत उलमा ने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए